मैं हूं अजय इकबाल मेट्रो सेवन पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूं गुलबर्ग। हमारे साथ आज मौजूद है वाटर बोर्ड के अर्शद साहब। इनसे बात करते हैं पानी की लाइन के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अर्शद रशीद, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुलबर्ग टाउन। इस काम में जो भी हाथ है सबसे बड़े वो हमारे ऑफिसर्स के हैं। उनकी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काम की इजाज़त दी, अप्रूवल दी और तो मैं ये काम कर पाया। यहाँ के इलाके के काफ़ी लोग परेशान थे पिछले कई डेढ़ दो साल से, तो हम कोशिश कर रहे हैं। पानी की सूरत हाल तो आप सब लोगों को मालूम है। अब यह है कि इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे, चीज़ों को इंशाल्लाह ताला सॉल्व होती जाएंगी। चूँकि ये पुराना सिस्टम था, रस्टेड हो चुका था, तो उसको चेंज करना लाजमी था। नहीं जी, इस तरह तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कोशिश किया जाता है, कुछ मेंटेनेंस में लिया जाता है। जहाँ समझते हैं कि लाइन चेंज की जाए वहाँ लाइन चेंज की जाती है। अब चूँकि ये 3 इंच डाय की लाइन थी और यहाँ पर सीमेंट की लाइन थी, तो वो चेंज करना ज़रूरी थी। बिल्कुल जड़े वड़े भर चुकी थी। देखिए, सबसे बड़ा एक तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि कराची जो फैल रहा है, सुगर नहीं रहा। दूसरा ये कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है कराची की, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की रिक्वायरमेंट इस वक्त 1200 MGD तक चली गई है, और हमको जो पानी इस वक्त मैसर है वो है 450 से 500 MGD। तो मोर देन 50% का डाउनफॉल है। तो उसको मैच हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स हैं। एक वाइड डिपार्टमेंट के कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड है जो राउंड द क्लॉक काम कर रहा है, और हमारे स्टाफ आपको रात में ही मिलेगा, दिन में ही मिलेगा, मेंटेनेंस के कामों में मिलेगा। तो बाकी ये कि यहाँ पे हमारे पास कंप्लेन आई थी कि जी 2 साल से 2.5 साल से यहाँ पे पानी मैसर नहीं था, तो उसके लिए एक्सियन गुलबर्ग अर्शद रशीद, उन्होंने उसके पर स्टेप लिया। हमारी मैनेजमेंट उस्मान खास खेली एसी साहब, उनके कहने के पर हमने ये काम अंजाम दिया, और माशाल्लाह से यहाँ के जितने भी मकीन हैं उनको अब पानी मिलना शुरू हुआ है। ये काफ़ी टाइम से, यानी कि तकरीबन समझ लेंगे 2 साल से ज़्यादा अरसे से जो है परेशानी हो रही थी पानी की, जो अल्हम्दुलिल्लाह वाटर बोर्ड की बहुत ज़्यादा काविशों और कोशिशों से, और हमारे मोहल्ले की कमेटी है, काफ़ी अच्छे मौजूद लोग हैं यहाँ पे रहते हैं और पुराने लोग हैं, तो हम लोगों ने मिलके पूरा मीटिंग्स करके जो है इनके पास गए थे, और उन्होंने जो है बड़े अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला हमें, और अल्लाह का शुक्र है वो कंप्लीट हो गया है बारिश। और इन्होंने बड़ी अच्छी, इन्होंने जो है वो लाइन जो है डलवा के प्रॉपर और बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन काम हुआ है, जिससे सारा हमारा जो एरिया है या मोहल्ला है हमारा बहुत खुश हैं सारे माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।